श्योपुर में आज कांग्रेस द्वारा बढ़ती हुई महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ पेट्रोल पंप पर ढोल मजीरा बजाकर और गाना गाकर महंगाई डायन मार जाएगी ऐसा गाना गाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान गैस सिलेंडर को माला पहनाई और पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर पेट्रोल डीजल की मशीन को भी माला पहनाई गई। बताया कि इस बढ़ती हुई महंगाई में ऐसा ही दिन देखने को मिलेगा क्योंकि आम आदमी तो अब डीजल पेट्रोल गैस खरीद नहीं सकता। भाजपा सरकार में बढ़ते हुए दामों को देखकर आम आदमी की बहुत बुरी हालत हो रही है और इसी को लेकर कांग्रेस ने आज ऐसा प्रदर्शन किया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अतुल चौहान ने बताया कि जब 2014 में कांग्रेस की सरकार थी तो पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम थे। 2014 में पेट्रोल 55 रुपए लीटर, डीजल 65 रुपए लीटर और गैस 350 रुपए का था और आज बीजेपी सरकार में पेट्रोल 117 रुपए लीटर, डीजल 112 रुपए लीटर और गैस सिलेंडर 948 रुपए का है। बीजेपी सरकार में जब भी चुनाव हुए हैं, चुनाव के बाद तुरंत महंगाई बढ़ा दी जाती है जिससे आम लोगों की जेब पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जिला अध्यक्ष अतुल चौहान ने बताया कि अगर सरकार इस बढ़ती हुई महंगाई को कम नहीं करती है तो कांग्रेस आगे भी ऐसे ही प्रदर्शन करती रहेगी और सरकार को बार बार चेतावनी देते हैं कि 2023 में इसका हम जवाब देंगे। श्योपुर से गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। ये मोदी जी का राज चल रहा है देश के अंदर, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी का भाजपा का राज चल रहा है। ये लगातार जब से सरकारें आई हैं ये कहती थी कि हम इस देश को अच्छे दिन देंगे, सबसे सस्ते दिन देंगे, लेकिन आपने देखा होगा 2014 के बाद से लगातार डीजल पेट्रोल और रसोई गैस की जो कीमतें थी, जो सबसे जरूरत की चीजें हैं किसान भाई के लिए, व्यापारी भाई के लिए, ट्रांसपोर्टर के लिए, छात्र के लिए, महिला के लिए, गृहिणी के लिए, सबके लिए, आज वो पेट्रोल डीजल जो कांग्रेस के जमाने में मात्र 52 रुपए और 66 रुपए की रेट में मिलता था, 350 रुपए में सिलेंडर मिलता था, आज 1250 रुपए में सिलेंडर घर का, 2250 रुपए में व्यावसायिक सिलेंडर और 117 रुपए की कीमत पर पेट्रोल मिल रहा है लीटर का, 112 रुपए लीटर में डीजल मिल रहा है, कई जगह पर 100 रुपए लीटर मिल रहा है। तो ये देखना होगा कि ये जो सरकार है मोदी जी की लगातार खेल खेल रही है इस देश से। लगातार वो कहते हैं कि हम इस देश को अच्छा दिन देंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले एक साल के अंदर उन्होंने 40-40 रुपए बढ़ोतरी डीजल पेट्रोल पर करी है, रसोई गैस पर 400 रुपए तक करी है। और जब भी चुनाव उनके आते हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव आए हो, 5 राज्यों के आए हो, तो उन्होंने 10-5 रुपए लीटर गिरा दिए और 7 दिन के अंदर ही जैसे चुनाव खत्म हुए फिर से उन्होंने 7-8 रुपए लीटर की वृद्धि कर दी है और ये लगातार वृद्धि होने वाली है। इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी आज माननीय कमलनाथ जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पेट्रोल पंप पर बैठी हुई है, रसोई गैस के सिलेंडर पर माला डाली हुई है, हमने पेट्रोल पंप की मशीन पर माला डाली हुई है कि माला डालने का रह गई है, क्योंकि आदमियों के पास अब पैसा भराने पैसा नहीं है जिनके पास पेट्रोल भरा सके। तो तत्काल अगर ये इधर इनकी कीमतें वापस नहीं ली गई और कम नहीं की गई, कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के लगातार प्रदर्शन करेगी और लगातार धरने देगी।